हाय डियर फ्रेंड, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है और केमिस्ट्री के लेक्चर के बाद हम बायोलॉजी के भी लेक्चर्स बनाएंगे और जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में आरआरबी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम जनरल साइंस से रिलेटेड पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे कि इसमें से जो 30 मार्क्स है उसमें से अप्रॉक्सीमेट आप 28 मार्क्स ला सको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इन विच फॉर्म द नेचुरल पेट्रोलियम इज़ फाउंड। जो नेचुरल पेट्रोलियम जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है, उसका नाम क्या है। तो पहला तो गैसोलीन, केरोसिन, क्रूड ऑयल, तार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी है, क्रूड ऑयल। ठीक है, पेट्रोलियम का नेचुरल जो फॉर्म होता है पाया जाता है वो क्रूड ऑयल बोलते हैं। ठीक, कच्चा तेल। विच कंट्री कंज्यूम मैक्सिमम पेट्रोलियम, कौन सी ऐसी कंट्री है जो मैक्सिमम पेट्रोलियम को कंज्यूम करती है। ठीक है, सऊदी अरबिया, इंडिया, यूके, यूएस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर जो है वो यूएस है। ठीक है, यूएस इज द कंज्यूम्स मैक्सिमम पेट्रोलियम। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इन विच फील्ड पेट्रोलियम इज नॉट यूज्ड, किस फील्ड में पेट्रोलियम का यूज नहीं किया जाता है। ऑटोमोबाइल, पेट्रोल, केमिकल, मेडिकल, मार्केटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है डी, मार्केटिंग। मार्केटिंग में पेट्रोलियम का यूज नहीं किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पेट्रोलियम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ चेन्स ऑफ हाइड्रोजन एंड डैस प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इन अर्थ क्रस्ट, तो इसका ऑप्शन ब्यूटेन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन, प्रोपेलिन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है सी, कार्बन। पेट्रोलियम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ चेन्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब बाकी सब राइट होंगे। तो इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन कौन से हैं, पहले तो सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए क्या बोला है, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज एज वन मूव्स डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सेकंड ऑप्शन, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज एज वन मूव्स अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द, एंड सी, अमंग्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द केशन स्मॉलर इज इन द आयोनिक रेडियस, एंड डी ऑप्शन, एमोंग्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस ग्रेटर द निगेटिव चार्ज ऑन द एनियन लार्जर इज द आयोनिक रेडियस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एमोंग्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द केशन स्मॉलर इज द आयोनिक रेडियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन से नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ के बाकी सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वाटर वेपर हुआ, मेथन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने का कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज द नॉट ग्रीन हाउस गैस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन गैसेस इन एक्सेस। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन गैसेस इन एक्सेस, तो एक्सेस कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन क्या दिए, डिफोरेस्टेशन, डिके ऑफ अर्थ क्रस्ट, एक्सेस ऑफ हीट एंड मोर स्नो ऑन अर्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, एक्सेस ऑफ हीट। एक्सेस ऑफ हीट के कारण से ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द ग्रीन हाउस गैसेस स्प्रेड डैश एनर्जी, जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो कौन सी एनर्जी को स्प्रेड करते हैं, शॉर्ट वेव्स, लॉन्ग वेव्स, फोटोइलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द ग्रीन हाउस गैसेस स्प्रेड डैश एनर्जी, डैश एनर्जी, तो शॉर्ट वेव है, लॉन्ग वेव्स है, मिड वेव्स है और अल्ट्रा वेव्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, शॉर्ट वेव्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इज डैश फॉर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए कौन सा ग्रीन हाउस गैस इज प्रेजेंस होता है। द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन गैसेस इज डैश फॉर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए कैसा होता है। तो 9th का हार्मफुल, रिक्वायर्ड, नेसेसरी, हार्मलेस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है करेक्ट आंसर सी होता है, नेसेसरी होता है। द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए नेसेसरी रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्रोनीम ऑफ पीवीसी, पीवीसी का एक्रोनीम इसमें से कौन सा है।
तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल कार्बोबेट, फॉस्फोर विनाइल ड्यू क्लोराइड एंड फॉस्फोविनाइल क्लोराइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है पीवीसी। ठीक है, तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। तो इस तरीके से वीडियो देखते जाइए और केमिस्ट्री के तकरीबन 20 वीडियो आपको मिलेंगे और रेगुलर बेसिस पे देखते रहेंगे तो आपको मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।